इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ए पैराशूटिस्ट ड्रॉप्स फ्रीली फ्रॉम एन एरोप्लेन फॉर 10 सेकेंड। मतलब कोई एक आदमी है जो कि एरोप्लेन से ड्रॉप हो रहा है, कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। बिफोर द पैराशूट ओपन्स आउट देन ही डिसेंड्स विथ ए नेट एक्सेल नेट रिटार्डेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ ही बेल्स आउट ऑफ द प्लेन एट ए हाइट ऑफ 2495 मीटर, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हिट वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोई पैराशूटिस्ट है जो कि यहाँ से जंप कर रहा है, मतलब ड्रॉप हुआ है, जंप नहीं कर रहा है मतलब ड्रॉप हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे? 0। तो ये जो हाइट है जहाँ पे इसने ड्रॉप हुआ था, तो ये वाली हाइट है 2495 मीटर के बराबर। तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट देगा मेरे को, है ना? सो यस, तो ये वाला माइनस लेंगे क्योंकि ये वाला नीचे की तरफ आ रहा है, और इसका एक्सेलरेशन किसकी बराबर है? माइनस जी, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, तो जो भी डाउनवर्ड है उसको मैं माइनस लेता हूँ, राइट? सो उसके बाद हमको बोला गया कि ये सीधा ऐसे ही नीचे आ गया, कितने सेकंड तक? अप टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड। टी इक्वल टू 10 सेकेंड तक इसका एक्सेलरेशन इसके बराबर था, राइट? इसके बाद ये वाला नीचे आ रहा है, तो इसको रिटार्डेशन फील हो रहा है ऊपर की तरफ, ए इक्वल टू कितना? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 10 सेकेंड, जब इसने पैराशूट ओपन किया, सही? सो तो इस जगह पे आने तक इसने वेलोसिटी गेन की थी वी, जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी वी डैश। तो मेरे को ये वी डैश निकालना है। आई होप कि ये सॉल्यूशन मतलब सिचुएशन आपको समझ में आई होगी। चलिए पहले वी लिखते हैं। वी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? यू प्लस ए टी। यू तो 0 था, ए की वैल्यू कितनी है? -10 इंटू टी इज 10, सो इट इज -100 मीटर पर सेकेंड। तो जब आदमी ने पैराशूट ओपन जस्ट किया था, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? -100 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या दिखा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है बल्कि दिखा रहा है, राइट? सो अब फिर से यहां से आगे की तरफ चलते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं कि इसने 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सो इट इज एच, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो इट इज यू इज 0 प्लस हाफ -10 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज 100। सो दिस वन इज कैंसल 5, 5 इंटू 100 -500 मीटर। तो इसका मतलब जब तक आदमी ने पैराशूट ओपन किया, तो इसने कितना नीचे आ गया? -500 मीटर। तो अभी कितना बच गया यहाँ पे? 2495 में से अगर 500 निकाल देते हैं तो ये होगा 1। सो दिस रिमेनिंग डिस्टेंस इज 2495 -500, सो इट इज 1995, राइट? 1995 मीटर। सो अभी इसको इतना चलना है, तो मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी पता है, तो मैं इसको ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूँ, वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। सो वी डैश नहीं पता है तो एज इट इज रखता हूँ, वी तो पता है मेरे को 100 है, सो 100 का स्क्वायर 10,000, विच इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू पॉजिटिव है इंटू 2.5, एस की वैल्यू कितनी है? -1995, क्लियर? सो इट इज वी डैश स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2.5 इज 5, -5 इंटू 1995 +10,000, क्लियर? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 1995, सो इट इज 9975 +10,000, सो इट इज इक्वल टू 25। कितना रहे? 25। वी डैश स्क्वायर इक्वल टू 25, सो वी डैश इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।